एक बार की बात है, एक गांव में सीमा पर एक बड़ा घना जंगल था। इस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे, लेकिन यहाँ के शिकारियों द्वारा रोजाना शिकार करने के कारण जानवर चैन से नहीं रह पाते थे। इसी तरह एक दिन जग्गू नाम का शिकारी जंगल में शिकार करने आता है। तभी उसे एक लंबे पैरों वाला हिरण दिखाई देता है। अरे ये कैसा अद्भुत हिरण है, इसके पैर कितने लंबे हैं, पर पहले तो इसे कभी नहीं देखा। तभी एक बाघ हिरण पर हमला कर देता है। अरे ये बाघ तो हिरण को मार देगा, नहीं नहीं ये हिरण मरना नहीं चाहिए। तभी जग्गू आसमान में गोली चलाता है और गोली की आवाज सुनकर बाघ भाग जाता है। फिर जग्गू शिकारी हिरण के पास जाता है। कितना अद्भुत है, डरो नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा। शुक्रिया। क्या कहा, शुक्रिया? हाँ। तुम तो सच में बोल सकते हो, कौन हो तुम? डरो नहीं, मैं जादुई हिरण हूँ, मैं कल ही आया हूँ, लेकिन ये जंगल मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? मैं? हाँ, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे थे और कौन हो तुम? मैं जग्गू शिकारी। क्या, क्या तुम मेरा भी शिकार करोगे? नहीं नहीं। अच्छा, तुम लोग शिकार क्यों करते हो? पैसों के लिए। फिर तुमसे अच्छा तो वो बाघ था जो शिकार करता पेट भरने के लिए, और तुम सिर्फ पैसों के लिए शिकार करते हो। इंसान के पास पैसा कमाने के हजार तरीके हैं, लेकिन जानवर के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो शिकार करे या शिकार बन जाए। जादुई हिरन, तुमने मेरी आंखें खोल दी, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद से मैं कभी भी शिकार नहीं करूँगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ठीक है। इसके बाद जादुई हिरण जग्गू शिकारी के साथ चला जाता है। रास्ते में जाते समय लंबे पैरों वाले हिरण को देखकर गांव के लोग चौंक जाते हैं और आपस में फुसफुसाने लगते हैं। तुम लोग ऐसे चौंको मत, ये मेरा दोस्त है, ये आज से मेरे साथ रहेगा। जग्गू शिकारी घर पहुंच जाता है, लेकिन घर में इतना लंबा हिरण रखने की जगह नहीं होती है। अरे जग्गू, तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है, मैं कहाँ रहूँगा? घबराओ मत, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद जग्गू शिकारी घर के बगीचे में चला जाता है और सूखी लकड़ियाँ चुनकर लाता है। फिर उन लकड़ियों से हिरण के रहने के लिए जगह बनाता है। लो, तुम यहाँ रह सकते हो। जग्गू, मैं चाहता तो इस घर को आराम से बना सकता था, लेकिन मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुमने परीक्षा पास कर ली है, अब मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। लेकिन एक और समस्या है। यही ना, कि पैसे कैसे आएंगे? चिंता मत करो। इसके बाद जादुई हिरण अपने जादू से जग्गू को फसल के बीज देता है। जग्गू, इन बीजों को लेकर तुम अपने बगीचे में खेती शुरू करो, देखना कुछ ही दिनों में फसल आ जाएगी और तुम पैसे भी कमाना शुरू कर दोगे। जग्गू उन बीजों से खेती शुरू करता है, लेकिन बीज खत्म ही नहीं होते हैं। हिरण, ये बीज खत्म क्यों नहीं होते हैं? मेरे बगीचे में खेती करने के लिए और जगह नहीं है। लेकिन इस गांव में कई गरीब हैं, जिनके पास खेत तो है पर फसल उगाने के लिए बीज नहीं है, तुम उनकी मदद कर सकते हो। अरे हाँ, ये अच्छा रहेगा। इसके बाद जग्गू शिकारी फसल के बीज गरीब लोगों में बांटना शुरू कर देता है। वही कुछ लोग खुशी से जग्गू को पैसे भी देते हैं। कितना अच्छा लग रहा है, जब मैं शिकार करता था तब जीवन में शांति ही नहीं थी, लेकिन अभी कितनी शांति है। पर मेरे शिकारी दोस्त, वो तो अभी भी शिकार करते होंगे, उन्हें भी तो शांति चाहिए। नहीं नहीं, उन लोगों को समझना ही होगा। जग्गू शिकारी अपने शिकारी दोस्तों के पास जाता है और शिकार करने से मना करता है। अरे पागल हो गया है क्या, शिकार नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? देखो मेरी बात समझो, उन बेजुबानों को मारने से हम समझदार नहीं बनते हैं। जिस तरह से मैंने काम करना सीख लिया है, तुम लोग भी सीख जाओगे, बस मुझ पर भरोसा रखो। इसके बाद जग्गू के शिकारी दोस्त भी शिकार करना छोड़ देते हैं और खेती करना शुरू करते हैं।
इधर गांव से दूर एक राक्षस था जो शिकारियों का सरदार होता है, और वो हर महीने इन शिकारियों से कुछ पैसे टैक्स के तौर पर लेता था। राक्षस को टैक्स के पैसे कम मिलने पर वो अपने चेलों पर गुस्सा हो जाता है। ये सब क्या है, इतने कम पैसे? क्या करे हुजूर, अब कुछ ही शिकारी रह गए हैं, सब किसान बन गए हैं। किसान? क्या किसान? हाँ हुजूर, जग्गू शिकारी को तो आप जानते ही हैं, वो अब जग्गू किसान बन गया है। अब शिकारी नहीं रहा, उसी के रास्ते पर सब शिकारी चल रहे हैं और सब बन गए हैं किसान। क्या, लेकिन ये सब अचानक कैसे हुआ? हुजूर, यही बात को पता लगाने मैं जग्गू के घर गया था। वहाँ देखता हूँ कि लंबे पैरों वाला एक जादुई हिरन था। वो हिरन अपने जादू से सबका भला करता है। अच्छा, तो सबसे पहले उस लंबे पैरों वाले हिरन का ही शिकार करना होगा। इसके बाद राक्षस और चेला शिकार के औजार लेकर हवा में उड़ते हुए गांव पहुंच जाते हैं। राक्षस और चेला नीचे उतर जाते हैं। हुजूर, वो हिरन बगीचे में है। अच्छा, चलो। इसके बाद राक्षस और चेला बगीचे में जाते हैं और लंबे पैरों वाले हिरन को देखते हैं। अद्भुत, इसे मेरे पास होना चाहिए। हाँ हुजूर, हाँ। मैं अभी इसे अपने बाण से बेहोश करता हूँ। इसके बाद राक्षस हिरण पर बाण से हमला करता है, पर बाण हिरण के पास जाते ही गायब हो जाता है। राक्षस एक के बाद एक बाण छोड़ता है और सभी बाण गायब हो जाते हैं। इसे कुछ होता क्यों नहीं है? ठीक है, अभी देखता हूँ ये भला मेरे भाले से कैसे बचता है। राक्षस भाले को हिरण की ओर फेंकता है, भाला हिरण की ओर जाता है और वापस उन दोनों की ओर मुड़ जाता है। इसे देखकर राक्षस और चेला भागते हैं और भाला उनके पीछे। भागते भागते दोनों थक जाते हैं और भाला भी रुक जाता है। तभी जादुई हिरण आता है और बोलता है, राक्षस, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हारी वजह से गांव के लोग इंसान से हैवान बन चुके थे और इसकी सजा तुम दोनों को जरूर मिलेगी। इसके बाद जादुई हिरण उन दोनों की आंख की रोशनी छीन लेता है और उन्हें अंधा बना देता है। राक्षस और चेला जोर जोर से रोने लगते हैं। हमें माफ कर दो, माफ कर दो, हमें माफ कर दो। उन दोनों की आवाज सुनकर जग्गू भी आ जाता है और वो समझ जाता है कि ये शिकार करने ही आए थे। लेकिन अब जग्गू किसी को भी दर्द में नहीं देख सकता था, इसीलिए वो जादुई हिरण से उन्हें माफ करने की विनती करता है। जादुई हिरण, क्या इन्हें एक मौका नहीं मिल सकता है? मैं विनती करता हूँ, तुम इन दोनों को माफ कर दो और इन्हें सुधरने का एक मौका दो। ठीक है जग्गू, ऐसा ही होगा। इसके बाद जादुई हिरण उन दोनों के आँखों की रोशनी वापस कर देता है। राक्षस और चेला कान पकड़कर फिर से माफी मांगते हैं और कभी शिकार नहीं करने की कसम खाते हैं। ठीक है, तुम सबका दिल अब नीक हो चुका है, तुम सब अब अच्छे बन चुके हो। याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने अंदर की अच्छाई को कभी मरने मत देना, क्योंकि पैसा हम किसी भी तरीके से कमा सकते हैं, लेकिन मन की शांति नहीं। फिलहाल तो मेरा यहाँ आने का मकसद पूरा हो गया है, इसीलिए मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ मेरी जरूरत है। तुम सब अपना ख्याल रखना। इसके बाद जादुई हिरण गायब हो जाता है। इधर राक्षस ये जिम्मेदारी लेता है कि अब से किसी भी तरह से शिकार न हो, और वही जग्गू लोगों को खेती बाड़ी करने के लिए प्रोत्साहित करता है।